हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सॉल्यूशंस। और इस वीडियो हम सीखेंगे कि रेडहैट नेक्स्ट 7 में यूजर सेशन को स्विच कैसे करते हैं। रेडहैट नेक्स्ट 7 में जब भी आप कोई नया यूजर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उन यूजर्स के लिए जीनोम क्लासिक एज ए डिफॉल्ट सेशन सेट होता है। तो रेडहैट नेक्स्ट 7 में यूजर सेशन को जीनोम क्लासिक से जीनोम में और जीनोम से जीनोम क्लासिक में स्विच कैसे करते हैं, ये इस वीडियो हम सीखेंगे। रेडहैट नेक्स्ट 7 में यूजर सेशन को आप दो तरह से स्विच कर सकते हैं। फर्स्ट, यूजर को लॉग आउट करके सेशन लिस्ट के थ्रू। सेकंड, विद इन द सेशन भी आप यूजर सेशन को स्विच कर सकते हैं। तो अभी इस मशीन में मैंने रूट यूजर से लॉगिन किया है और ये डिफॉल्ट सेशन जीनोम क्लासिक में वर्क कर रहा है, तो चेक कर लीजिए। तो देख लीजिए, ये जो सेशन अभी यूज हो रहा है ये जीनोम क्लासिक है। अब मुझे इस सेशन को जीनोम में स्विच करना है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं फर्स्ट मेथड यूज करूंगा। तो इसके लिए यूजर को लॉग आउट कीजिए, उसके बाद उस यूजर से लॉगिन कीजिए। और उसके बाद में इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक सेशन लिस्ट डिस्प्ले होगी और उस सेशन लिस्ट से आपको सिलेक्ट करना है जीनोम, और उसके बाद में साइन इन ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। तो देख लीजिए, जीनोम क्लासिक सेशन जीनोम में स्विच हो गया है। तो ये फर्स्ट मेथड था जिसके थ्रू आप यूजर सेशन को स्विच कर सकते हैं। तो ये जो सेशन है वो जीनोम सेशन है। अब सेकंड मेथड में मैं इस जीनोम सेशन को जीनोम क्लासिक में स्विच करना चाहता हूं। तो सेकंड सेशन में आपको यूजर को लॉग आउट करने की कोई आवश्यकता नहीं, विद इन द सेशन भी आप यूजर सेशन को स्विच कर सकते हैं। तो यदि आपको जीनोम सेशन को जीनोम क्लासिक में स्विच करना हो तो उसके लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना होगा जीनोम हाइपन सेल डबल हाइपन मोड इज इक्वल टू क्लासिक हाइपन आर एन परसेंट। ये कमांड जीनोम सेशन को जीनोम क्लासिक में स्विच करने के लिए यूज होता है। उसके बाद एंटर प्रेस कीजिए और फिर एग्जिट प्रेस कीजिए, एग्जिट कमांड एग्जीक्यूट कीजिए। तो देख लीजिए, जीनोम सेशन जीनोम क्लासिक में स्विच हो गया है। यदि आपको जीनोम क्लासिक सेशन को जीनोम सेशन में स्विच करना है तो उसके लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना होगा जीनोम हाइपन सेल डबल हाइपन मोड इज इक्वल टू यूजर हाइपन आर एन परसेंट। फिर एंटर प्रेस कीजिए और एग्जिट कमांड एग्जिट कीजिए। तो देख लीजिए, जीनोम क्लासिक सेशन जीनोम में स्विच हो गया है। तो इस प्रकार आप यूजर सेशन को स्विच कर सकते हैं। इसके लिए दो मेथड हमने यूज की, फर्स्ट यूजर को लॉग आउट करके सेशन लिस्ट के थ्रू, और सेकंड विद इन द सेशन भी हमने यूजर सेशन को स्विच करके देखा है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।